सिंघू बॉर्डर पर भले ही आंदोलन की समाप्ति हो गई हो, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं इस आंदोलन के जो कई लोगों को नहीं भी पता होंगे। हम इस वक्त एक मेकशिफ्ट अस्पताल के अंदर हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो किसान थे उनके सहयोग में इतने लोग आए, और जिस तरीके से कोरोना के काल में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त यहाँ पर एक अस्पताल की बहुत ज़रूरत थी और यहाँ पर हर तबके से लोग आए और एक अस्पताल बनाया। खालसा एड का भी इसमें सहयोग है, लाइफ केयर फाउंडेशन एक एनजीओ है, किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल बना यहाँ पर। और पहले ही दिन से 26 नवंबर से 30 नवंबर को यहाँ पर चीज़ें रखना शुरू कर दिया था लोगों ने, सेवा में लोगों की मदद की जाए। हमसे बात करेंगे बख्शीश जी, लंबी कहानी होगी, मैं भी समझती हूँ एक साल का आप लोगों का सफर रहा, लेकिन ये अस्पताल आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, कैसे चलाया? जी, सबसे पहले तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, संगत के सहयोग से ये हॉस्पिटल चला। तो स्टार्ट हमने, ये टेबल देख रहे हो आप, इस टेबल पे हमने स्टार्ट किया था। तो जैसे बुजुर्गों को शुगर और बीपी की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, हम ट्रॉलियों में जा जाके उनकी शुगर चेक करते थे, बीपी चेक करते थे। और कुछ जैसे यहाँ पे भीड़ बहुत थी, गिनती बहुत थी किसानों की, तो कुछ आप शुरू में कुछ हार्ट अटैक से डेथ हुई हमारे आगे से, जब इस टेबल के आगे से एम्बुलेंस जाती थी तो हमें बहुत दुख होता था भी। हम इतना एफर्ट मारा, लंगरों की सेवा हो गई, कपड़ों की यहाँ पे, चाय पानी की, सबकी, लेकिन यहाँ पे एक हॉस्पिटल की जरूरत। तो 16-17 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े, तो हमने एक ड्रीम लिया हॉस्पिटल का। तो हमने इसका नाम भी सोचा किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल। तो हमने पहले 2 बेड से शुरुआत की, 2 से फिर 4 बेड हुए, 4 से फिर 8 हुए, 8 से 10 हुए। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, एक फिजियोथेरेपी का डॉक्टर है, 2 फार्मासिस्ट है, सफाई सेविका है, और हम मतलब 24 घंटे ये हॉस्पिटल चला। अगर अब आज 700-750 किसानों की जो यहाँ पे शहादत हुई है, अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो नंबर डबल हो सकता। कल की बात करूँ, मोर्चा जब सावे जश्न में डूबे होते, मोर्चा यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पे 2 हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे आए, उनको लोडिंग डोज देके उनको स्टेबल करके रोहतक और चंडीगढ़ पीजीआई भेजा। तो मतलब बहुत जाने इस हॉस्पिटल ने यहाँ पे बचाई है। और एक बहुत बड़ा ये रहा है, कोशिश रही है कि यहाँ पर लोग जो हैं उनको हेल्थ केयर सुविधा मिले, मदद मिले। तो हमें बताइए कि अब यहाँ से आप क्या क्या वापस ले जाएंगे, कैसे समेटेंगे ये सारी चीज़ें जो आपने खड़ी की बनाई, क्योंकि अब किसानों ने वापस जी है। ये तो हमने अहद लिया था कि हम यहाँ पे क्या खाने के बिना कुछ दिन चल सकते हैं, लेकिन दवाई के बिना या कोई एमरजेंसी आ जाए नहीं। हमने ये अहद लिया था, प्रण किया था कि जब तक आखिरी किसान यहाँ से नहीं चला जाता तो ये किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल ये यहाँ पर रहेगा। जैसे आपने देखा ही है, हमारे पास 7-8 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, मोनीटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 2 ऑक्सीजन मशीनें हैं। मतलब धीरे धीरे हमने 2-3 ट्रक मैनेज किए हैं, उसमें ये मतलब करके हम वापस लेके जाएंगे। और ये जो इतिहास बना है यहाँ पे, हमने नीचे टाइलें लगाई है ना, तो ये टाइलें लगाई है। हाँ, हम बहुत लंबा सोच के बैठे थे, शायद 2024 तक का है ना, मिट के बैठे थे, हमने लंबा बैठना पड़ेगा। तो जैसे सरकार जिद्दी है तो हम भी जिद्दी थे। तो ये हॉस्पिटल अब म्यूजियम के और भोगपुर, चलांग, जलंधर में एज इट इज, ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो किताबों से कम, वो देखने से ज्यादा सीखती है, है ना, वो इतिहास से जुड़ती है। ये इतिहास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोटेस्ट का ये, तो ये ऐतिहासिक आंदोलन की ये धरोहरें रहेंगी। ये हॉस्पिटल एज इट इज भोगपुर, चलांग, जलंधर में शिफ्ट होगा और वहाँ पे लोगों को ऐसे ही मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी। जी, बहुत बड़ा कार्य है ये, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड परहैप्स द लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट रहा। और आंदोलन के साथ साथ जिस तरीके से बख्शीश जी ने हमें बताया कि ये सारा जो आयोजन है ये इन्होंने इस तरीके से किया था कि शायद लंबा समय यहाँ पर रुकना पड़े, लेकिन हालात ऐसे बने, प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लिए और उसके बाद यहाँ पर अब जो इस अस्पताल की जो चीज़ें हैं ये तब तक अस्पताल रहेगा जब तक आखिरी किसान सिंघू बॉर्डर से अपने घर को नहीं लौट जाता। जियाउद्दीन के साथ मैं मिलन शर्मा, सिंघू बॉर्डर से।